अच्छा मुझे ये बताइए कि हम तुम कैसा आया? हम तुम कैसे आया? हम तुम मुझे कॉल आई थी, अप्रोच किया था किसी ने, किसी ने कहा था कि रमज़ान का ड्रामा सीरियल है, आपको करना है? मामा को आई थी, मामा ने कहा ऑफ कोर्स, लाइक दानिश नवाज का प्रोजेक्ट, इट्स गोना बी नाइस, दानिश नवाज इज़ अ वेरी बिग पर्सनालिटी। तो फिर हम लोग ऑफिस गए थे और उन्होंने कहा था कि आपको साशा का कैरेक्टर प्ले करना होगा। ओह अच्छा। तो फिर लेकिन मेरी डेट्स मैनेज नहीं हो रही थी, तो फिर मुझे मलिहा का कैरेक्टर मिला, बट आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी क्योंकि आप पिंजरा शूट, हाँ मैं पिंजरा शूट कर रही थी और पिंजरा बिल्कुल एंड पे था, तो वो भी नहीं छोड़ सकते थे, उसपे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों ने कहा फिर आपको मलिहा का कैरेक्टर दे देंगे क्योंकि वो डेट्स मैनेज हो सकती हैं। तो फिर मैंने कहा मुझे तो कोई मसला नहीं है, मलिहा का कैरेक्टर इतना फन है, डिफरेंट है, बॉक्सर है मलिहा और मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है बॉक्सिंग में, तो मैंने कहा कि कर लेते हैं, मुझे तो मज़ा आएगा, हम गोना एंजॉय इट। ऑडिशन दिया था, उन्होंने आपसे कुछ लाइंस बुलवाई या नहीं कुछ? उन्होंने क्योंकि वो लोग मुझे जानते थे, वो लोग मेरी एक्टिंग को और मुझे व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ वो सब वो जानते थे। चलो दैट्स गुड। सो यू वर एक्साइटेड। पता था कास्ट में कौन लोग हैं उस वक्त? नहीं उस वक्त नहीं पता था, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। जब कास्ट में सबसे पहले किसका पता चला कौन है और क्या क्या रिएक्शन? सबसे पहले आहद रजा मीर का पता चला था। तो क्या चीख मारी आपने जोर से या क्या हुआ? मैं इतना सरप्राइज थी कि आहद रजा मीर के साथ मैं काम करूंगी। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लाइक सब थोड़े से जूनियर होंगे, सब न्यू फेसेस होंगे, लेकिन आहद रजा मीर ऑब्वियसली सच अ बिग पर्सनालिटी, सो वेल नोन, तो आई वाज सो एक्साइटेड। जब जैसे मैं जा रही थी ना, जिस दिन सेट पे मैं बहुत एक्साइटेड थी। और जो मेरी नानी बनी है उस्मा जी, जब मुझे पता चला था वो मेरी नानी है, उनका मैंने चुपके चुपके में सुना, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, उनसे भी मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। और आपकी फेवरेट? हाँ सारा बाजी, प्लीज, शी इज़ सो स्वीट। जब मुझे पता चला था ना कि सारा बाजी होंगी, मुझे थोड़ा सा हुआ था कि काश बहनों की बहन बन जाती। एक ही दफ़ा हुआ था कि लाइक काश में साशा मिल जाता क्योंकि सारा बाजी के साथ काम करने को मिलता, लेकिन फिर भी सारा बाजी जब भी मैं उनसे मिलती हूँ सेट पर, शी इज एब्सोल्युटली द स्वीटेस्ट। और उनकी आवाज़ कितनी अच्छी है, वो इतनी अच्छी तरीके से बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो जो मिली का कैरेक्टर है उसको बनाने के लिए ऐसे ही लिखा हुआ था आपने, इसमें दानिश नवाज के साथ बैठ के कुछ आप लोगों ने इधर उधर चीज़ें की, आपने खुद अपना कुछ इनपुट डाला कुछ, या ये एग्जैक्टली ऐसे लिखा था उसको आपने ऐसे परफॉर्म कर दिया? फन फैक्ट, मिली का जो पहले जो राइटर ने लिखा था, शी वाज अ मॉडल, नॉट अ कराटे किड या बॉक्सर, वो मॉडल थी, उसको मॉडलिंग का ज़्यादा था। अच्छा। और फिर मॉडलिंग का चेंज होके कराटे बन गया। तो दानिश नवाज ने मुझसे पूछा, दानिश भाई ने, कि You're okay with that? मैंने कहा जी जी, मुझे तो दोनों बिल्कुल ठीक है। पूछा उन्होंने ना क्योंकि मॉडलिंग भी मुझे आती है, मैं करती हूँ बिल्कुल, और मुझे लगता है मैं अच्छी करती हूँ, बहुत अच्छी करती हूँ, मॉडलिंग एक्टिंग दोनों बहुत अच्छी करती हूँ, गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करती हैं आप। थैंक यू। मॉडलिंग जब सुना मैंने कहा ठीक है, अच्छा करेक्टर, बहुत अच्छा करेक्टर है, लेकिन जब कराटे आया ना मुझे लगा कि और थोड़ा बेटर हो गया है, तो कूल सा हो गया है। और जब लोग मुझे डीएम करके, स्पेशली लड़कियाँ मुझे डीएम करके जब कहती हैं कि मैं भी टॉम बॉय हूँ और मैं आपसे, आपके करेक्टर से मैंने बहुत रिलेट किया, मुझे इतना अच्छा फील होता है कि लाइक मेरे करेक्टर से कोई रिलेट करता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अब रियल लाइफ में आप टॉम बॉय हैं? काइंड ऑफ, थोड़ा थोड़ा, जैसे गर्ली गर्ल भी नहीं हूँ लेकिन फुल ऑन टॉम बॉय भी नहीं हूँ, दोनों, अ मिक्स ऑफ बोथ। तो आप अभी कह रही थी आपको कराटे बॉक्सिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्या है, किया हुआ है कोर्स? किया मैंने, नहीं लास्ट ईयर मैंने, जो मेरी सबसे अच्छी लाइक ऐड अभी तक रही है वो सनरिच है, जिसमें मैं आयशा खान की बेटी बनी थी। तो उसमें आई वाज अ फुल ऑन बॉक्सर, लाइक एक बॉक्सिंग मैच होता है पूरा, तो उसकी वजह से ना मैंने थोड़ी सी स्टडी किया था, मैंने बहुत किया था बॉक्सिंग, और उनके पंचेस कैसे होते हैं, जैब्स कैसे होते हैं, और फिर हमारे स्कूल में भी टाइकोंडो सिखाया जाता था, तो मैंने वो भी क्लासेस ली थी, तो मुझे थोड़ा सा ऐसी चीज़ों में एक्सपीरियंस है बॉक्सिंग और सब में। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपका ऐड था फिर भी आपने उसके लिए रिसर्च की। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो मिली के लिए क्या रिसर्च किया? मिली के लिए क्या? मिली के लिए तो की हुई थी ना, इसके अलावा कुछ किया? मिली के लिए मैंने पिंटरेस्ट पे मैं गई और मैंने आउटफिट मैं पिंटरेस्ट पे गई और मैंने आउटफिट की इंस्पिरेशंस बहुत ली, क्योंकि मुझे हो रहा था कि थोड़ा टॉमबॉय हूँ, तो टॉमबॉय की सबसे बड़ी क्वालिटी एक उसकी ड्रेसिंग होती है, उसकी ड्रेसिंग से पता चलता है कि वो थोड़ी सी यू नो शी इज़ ऑन द टॉम बॉय साइड। तो जब मैंने पिक्चर्स देखी तो मैंने देखा कि वो लंबी लंबी शर्ट्स और थोड़ी सी बैगी सी शर्ट्स, तो यू विल सी मी वेयरिंग बैगी शर्ट्स अ लॉट। अब आप बोल रही हो तो मैं नोट कर रही हूं। हां मेरा तो नहीं ख्याल कि शलवार कमीज में मैंने अभी तक देखा है उसको, एक भी सीन शलवार कमीज। हां शलवार कमीज में है ही नहीं, वो पहनेगी नहीं सारा वक्त, है ना, शायद वो पहनेगी ही नहीं। वो बस एक होगा जिसमें वो थोड़ा सा फैंसी ड्रेस करेगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू वो इवेंट हो रहा होगा, मुझे कोई इवेंट हो रहा होगा, मुझे भी आईडिया है, मेरे पास इनसाइड न्यूज़ है। हेलो हां कोई इवेंट हो रहा होगा, उसमें वो बस गर्ली बनेगी। आदम या सरमत में कुछ ना कुछ तो शायद आना, मैं नहीं बता सकती, ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। चलें ठीक है, नहीं आई आल्सो डोंट वांट टू स्पॉइल द ड्रामा। हां मुझे अच्छा लगता है, मुझे ड्रामा देखना है एज द स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड, तो आई वांट टू डिस्कवर। अच्छा ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग कि आपने Pinterest पे जाके लुक्स निकाली कि मुझे फिर शॉपिंग करने गई। हाँ, मजा आया के साथ शॉपिंग करने गई, ढेर सारा उसमें आपने चीजें मैं उससे बहुत सारी चीज़ें ली। और मैं वैसे भी थोड़ी सी ड्रेसिंग मेरी ऐसी है कि थोड़ी सी बैगी सी शर्ट्स लंबी लंबी मुझे बहुत पसंद है, लाइक अब कंफर्टेबल रहना। जैसे मैं नाइट सूट्स में भी ना अपने डैड की शर्ट्स पहनती हूँ, मैं मेरे पास अपने नाइट सूट्स है ही नहीं क्योंकि मैं अपनी डैड की शर्ट पहनती हूँ, अपनी डैड की शर्ट्स पहनती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ऑलरेडी आइडिया था कि यू नो लंबी लंबी शर्ट्स होंगी, तो मेरे पास काफ़ी शर्ट्स पड़ी हुई भी थी, अभी जाके और भी ली। शॉपिंग स्प्री सा हो गया एक, मज़ा आ गया ना बहुत। तो स्क्रिप्ट याद करना आसान होता है, मुश्किल होता है? पहले बहुत मुश्किल था। अच्छा। जब मैंने किया था तो मुझे होता था कि मम्मा मुझे स्क्रिप्ट्स करवाती हैं, तो मुझे होता था मम्मा बस करती ना मेरे साथ, करती ना बोलती हैं आप रिहर्स करती हो उनके साथ। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्शियस होती थी, अब जब मैंने एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा हो गया है ज़्यादा, तो अब बस मुझे होता है कि गो विद द फ्लो, हैव फन, भले थोड़ी सी लाइंस गलत निकल आए कोई बात नहीं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट सेम है तब तक डायरेक्टर कुछ भी नहीं कहते हैं। डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर, बट जिनके साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक काम किया देयर ऑल वेरी नाइस, देयर लाइक जब तक कॉन्सेप्ट सेम है तब तक डायलॉग डिलीवरी इट्स फाइन। ओके। और अब मुझे काफ़ी इजी हो गया, अब मैं 2 दफ़ा स्क्रिप्ट करती हूँ मुझे याद होता है बिल्कुल। अब तो प्रैक्टिस हो गई है, अब प्रैक्टिस हो गई है। तो चैलेंज था कुछ करने के लिए मिली को? हाँ, क्या ये था कि मैंने जो बाकी ड्रामा किया है, जो पिंजरा किया है और मैंने एक और हम टीवी का ड्रामा किया, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज हु और व्हाट, ऑफ द कैमरा निकलवा दूंगी, ऑफ द कैमरा पूछ लेगा, ऑफ द कैमरा मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है? तो मैंने वो किया था, वो सब ना थोड़े से सीरियस ड्रामा थे, थोड़े से उनकी स्टोरी बहुत सीरियस थी, अच्छी है स्टोरीज ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी सीरियस थी। जब मैंने हम तुम किया और मैंने जब मिली का करेक्टर किया और एक सिटकॉम था, एक फ़नी ड्रामा था, तो वो बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया। मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि आपके एक्टिंग करियर में, आपके कोई भी करियर में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आना चाहिए। बिल्कुल। मुझे पता था कि मैं सीरियस कर सकती हूँ, मुझे पता था कि मैं मीन भी कर सकती हूँ, मीन भी एक दफ़ा कर लिया, मुझे पता था कि मैं नेगेटिव कर सकती हूँ, थोड़ा सा सीरियस भी कर सकती हूँ, अच्छी एक्टिंग हो जाती है, लेकिन एक जब फ़नी, एक लाउड सी पर्सनैलिटी, ज़ोर से बोलना, ये सब मेरे लिए नया था, मुझे बहुत मज़ा आया करने में। अच्छा, ये कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपने बोलना करूँगा जाऊँगा लेकिन निकल जाता होगा जाऊँगी, फिर दानिश साहब बोलते होंगे ए ना तुमने ये बोलना था, ऐसा होता था? क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ है ना, ये एंगल जो डाला है कि वो लड़कों की तरह बात करती है। एग्जैक्टली और ये एंगल वैसे है बहुत अच्छा, आई रियली लाइक इट, लेकिन कभी कभार मैं हूँ अब लड़की तो निकल जाता है, जाऊँगी भूल जाती होंगी ना, कभी कभार मैं भूल जाती हूँ, वरना या फिर सेट पर आगे कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है तो वो सब कहते हैं वो जो तुमने जाऊँगा बोला था ना बहुत अच्छा बोला था। तो सब मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं कि जाऊँगा, वो लोग भी अब जाऊँगा बोलते हैं। तो मिली कंफ्यूज है क्या? मिली कंफ्यूज नहीं है, मिली सिर्फ अपने भाई और अम्मा दोनों को खुश करने के लिए ऐसे फ्लिप करती है। और मैं सोच रही थी स्कूल में क्या करती है। मिली थोड़ा ज़्यादा मैं बट मुझे ऐसी क्यूरोसिटी हो रही थी। मिली जब से बड़ी हुई है वो भाइयों के साथ बड़ी हुई है, उसकी जो एनवायरनमेंट रही है वो भाइयों के साथ रही है, इसलिए क्योंकि भाई भी ऐसे ही बोलते हैं, ऑब्वियसली वो लड़के वो तो ऐसे ही बोलते हैं, और वो अपने भाइयों के साथ है बहुत क्लोज, ये दिखाया है कि मिली बहुत क्लोज है अपने भाइयों के साथ। तो आप जब किसी के साथ क्लोज होते हैं आप उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज पिकअप कर लेते हो, तो यही हुआ है कि मिली ने जाऊँगा पिकअप कर लिया, एक लड़के के पर्सपेक्टिव से बात करना शुरू कर दिया। तो ये आई गेस आइडिया है, क्योंकि वैसे मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा था कि वो नील पॉलिश भी लगवा रही है और बाल भी स्ट्रेट हो रहे हैं उसके, लेकिन बोलने में कहीं कहीं वो ऐसे करती है। तो मुझे ये हुआ कि कम्प्लीटली भाइयों का असर उस पर ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं हो गया कि उसने बिल्कुल लड़कियों वाली चीज़ें छोड़ दी हैं, वो कहीं बीच में कन्फ्यूजन से थोड़ा सा होता है। अच्छा, वैसे तो मिली अच्छी है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है आदम की तरह थोड़ी सी फसादी है वो। आपको लगता है? मुझे लगता है वो लगाती है आदम भाई देखा वहाँ तो पार्टी हो रही है दूसरे घर में, अरे आदम सुकून से बैठा हुआ है और मिली ने आके आग लगा दी है। नहीं क्योंकि वो साशा की तो मिली तो बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर आगे उन्हीं बेचारों की क्यों लगवा रही है? आदम भाई नहीं है ना, आप अपने आपके बहन भाई हैं, आप उनको तंग करती हैं? हाँ, मैं भी करती हूँ। तो अब आदम को तंग कर रही होती है। हाँ, मैं समझी आदम की साइड पे कि चले आदम भाई, अब इन लोगों को हम कुछ मजा सिखाते हैं। वो कभी कभार आदम की साइड पे भी होती है, कभी कभार आदम को तंग भी कर रही होती है, क्योंकि मिली को पता है ना आदम नेहा को पसंद नहीं करता, इसलिए वो उनको थोड़ा तंग कर रही होती है। ओके, अच्छा आपने भी जो बात बोली, नेहा कह रही थी एना मैना, आपने जो बात बोली अभी कि वो जो भाइयों के साथ रहती है, जब आप किसी से बात कर रहे, किसी के साथ इतना करीब रहते हैं, आप कोई चीज़ ले लेते हैं, बड़ी डीप बात आपने बोली है। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी थी कैरेक्टर की, या दानिश साहब के साथ बैठ कर उन्होंने आपको ये समझाया कि ये पर्सपेक्टिव? अंडरस्टैंडिंग अपनी है, जैसे मैं अपने दोस्तों के। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड।